झारखंड में महाठग रिटर्न्स, ऐसा एक माहौल बना है। एक ठगबंधन की सरकार जो 2019 में आई थी झूठे वायदों के बुनियाद पर, जिसने लंबे चौड़े वचन वायदे देकर के युवाओं को, महिलाओं को, अनुबंध कर्मचारियों को, सभी लोगों को ठगा और ठग करके आई और आ करके झारखंड में लूट मचा करके कानून व्यवस्था का गिरा करके झारखंड को पूरे देश का सबसे भ्रष्टाचारी राज्य बना करके उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। आज कोई भी वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, इस महाठग रिटर्न सरकार की, रिटर्न ऑफ महाठग गवर्नमेंट, उसके आखिरी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद विश्वास का मत प्राप्त करने के लिए कल उन्होंने सदन में प्रस्ताव रखा है। हम सब लोग उस प्रस्ताव में वाद विवाद में भाग लेना चाहते हैं। कि आप सबको याद होगा पिछले बार चंपई सोरेन जी जब अपना विश्वास का मत प्राप्त कर रहे थे तो विपक्ष को उन्होंने बोलने का अवसर नहीं दिया था, जबकि बिजनेस में वाद विवाद है। तो आज ये आपके माध्यम से ही हम सरकार को यह मांग भी करते हैं और उनको कहना भी चाहते हैं कि भाई आप वाद विवाद का मौका दीजिए, ताकि आपकी इस सरकार की जरूरत क्यों पड़ी ये आप बताएं और हम बताएंगे कि महाठग रिटर्न सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं और इसने क्या किया है। इस सरकार में इतना दम नहीं है कि वो सरकार अपना मंत्रिमंडल के साथ विश्वास का मत प्राप्त करे। सारे लोगों को मंत्री पद का आश्वासन दे करके, फ्लोर टेस्ट पास करके, उसके बाद वो मंत्रिमंडल के विस्तार में जाना चाहते हैं। उनको भी मालूम है कि जो अंतर विरोध और अंतर कला है वो इतना ऊपर है कि उनको संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो यह सर हमेशा होना ही है, क्योंकि काट का हांडी हम लोग हमेशा कहते हैं, एक ही बार चढ़ता है वो बार बार नहीं चढ़ता है, उनको भी समझ में आ गई है। और इस ठगबंधन सरकार की ये आखिरी शपथ भी है और आखिरी उनका सत्र भी है, उनकी विदाई तय है। ये सारे विषयों को लेकर के हम लोग जाने वाले हैं और स्पष्ट रूप से उनको वाद विवाद के लिए आमंत्रित करने वाले।